कोई काम कितना ही कठोर क्यों ना हो, कोई काम कितना ही कठोर क्यों ना हो, जिद और दृढ़ विश्वास से जरूर पूरा किया जा सकता है। तो एक बार फिर से पारामेडिकल और नर्सिंग के नंबर वन चैनल नर्सिंग अड्डा में एक बार आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का फिर से मैं अभिनंदन करता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की सेशन में हम लोग सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2023 के एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, तो चलिए आज की सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन, जर्मनी की प्रथम महिला चांसलर कौन है? जी हाँ बच्चों, वोमेन चांसलर ऑफ जर्मनी आप लोग बताएंगे, फर्स्ट वोमेन चांसलर ऑफ जर्मनी कौन है? ऑप्शन ए है थेरेसा मे, ऑप्शन बी मेगन फॉक्स, ऑप्शन सी एंजेला मार्कल और ऑप्शन डी रोसा पार्कस। जी हाँ बच्चों, आप लोग बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगी, जर्मनी की प्रथम महिला चांसलर। यहाँ पे फटाफट आप सभी लोग बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगी इस दिए गए प्रश्न का। तो अगर माय डियर स्टूडेंट आप सभी का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर सी, इट इज करेक्ट आंसर, यानी जर्मनी की प्रथम महिला चांसलर एंजेला मार्कर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनकी इनकी कब नियुक्ति हुई थी, तो बच्चों एंजेला मार्कर साल 2005 में जर्मन की पहली महिला चांसलर बनी थी। जी हाँ बच्चों, आप लोग यहां पे ध्यान में रखेंगे, यानी 2005 में। चलिए अब इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं, और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और इसमें पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ बच्चों, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग कहाँ पे है आप सभी को बतानी है। यहाँ पे ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी लंदन और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ बच्चों, आप लोग फटाफट बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? भारत, दुबई, लंदन, ऑस्ट्रेलिया। तो अगर बच्चों आप सभी का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर बी, इट इज करेक्ट आंसर, यानी आईसीसी का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। जी हाँ बच्चों, अगर मैं बात करूं आईसीसी का स्थापना कब हुआ था, तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा बच्चों, आईसीसी का स्थापना 1909 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगर और अगर बच्चों हम लोग आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन की अगर बात करूं, तो क्या आप लोग बताएंगे कि आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन के तौर पे किसको नियुक्ति मिली है और उनका नाम क्या है? आप लोग बताइए फटाफट यहाँ पे आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जी हाँ बच्चों, अगर बच्चों आप सभी की जवाब आ रही है ग्रेग बार्कले जी, इट इज करेक्ट आंसर। जी हाँ बच्चों, यानी आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पे इनको नियुक्ति यहाँ पे दी गई है, और यही यहाँ के अभी अध्यक्ष के तौर पे उपस्थित हैं। तो आप लोग याद रखेंगे आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ग्रेग बार्कले जी हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर आ चुकी है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है। जी हाँ बच्चों, आप लोग बताइएगा फटाफट यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है, यानी वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी, हेंग। जी हाँ, बताइए आप लोग फटाफट यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगी। तो अगर बच्चों आप सभी की जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर डी, इट इज करेक्ट आंसर, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है ICJ, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी मुख्यालय द हैंग में स्थित है। जी हाँ बच्चों, तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा द हैंग, यानी नीदरलैंड। ठीक है, तो ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है, तो द हैंग मीन्स नीदरलैंड में स्थित है बच्चों। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ICJ, ठीक है, ICJ में कितने न्यायाधीशों को चुना गया है, इनकी चयन कौन करता है, इसका प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा, ICJ में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो जी हाँ बच्चों, ICJ में कुल 15 न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, 15 न्यायाधीश,
आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर बात की जाए कि जो ये 15 न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति यानी इनकी चयन कौन करता है, तो जी हाँ बच्चों, इनका चयन महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जो भी आईसीजी में न्यायाधीश जो 15 होते हैं इनका चयन यहाँ पे महासभा, आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों, मैं यहाँ पे लिखूंगा तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, इसीलिए आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दिया, क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। इसका चयन यानी आईसीजी में जो कुल न्यायाधीश होते हैं 15, इसका चयन कौन करते हैं, तो महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगर बात आई थी न्यायालय से, इसीलिए उससे रिलेटेड मैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी को बता दिया, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी के लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन और इसका जवाब आप सभी को बतानी है, आप सभी के द्वारा ही मैं जानना चाहूँगा इसका सही जवाब क्या होगी। अगर मैं आपसे पूछूँ कि भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, जी हाँ बच्चों, आपके लिए प्यारा सा क्वेश्चन, तो इसका जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में चाहिए बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए तो इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं, और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, और इसमें पूछा जा रहा है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ बच्चों, विश्व कैंसर दिवस की यहाँ पे बात की गई है, वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट कब की जाती है। तो जी हाँ बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन है 1 फरवरी, ऑप्शन बी 3 मार्च, ऑप्शन सी 7 अप्रैल और ऑप्शन डी 8 मई। क्या ये चारों ऑप्शन में हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, इस दिए गए प्रश्न का सही जवाब कौन सी होगी। तो अगर बच्चों आप सभी की जवाब आ रही है 4 फरवरी, इट इज़ करेक्ट आंसर। जी हाँ बच्चों, यानी वर्ल्ड कैंसर डे जो सेलिब्रेट की जाती है वह 4 फरवरी को की जाती है, और ये दिए गए ऑप्शंस में आपका सभी ऑप्शंस यहाँ पे गलत है, बट यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, तो 4 फरवरी होगा। तो इसीलिए आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे बच्चों कि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाई जाती है। तो जी हाँ बच्चों, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रति वर्ष 4 फरवरी को लोगों को जागरूक करने के लिए सेलिब्रेट की जाती है, और जो कैंसर डिजीज है उसको रोकथाम के लिए इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे बच्चों कि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाई जाती है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बच्चों अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करेंगे, और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुकी है और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, और इसमें पूछा जा रहा है। तो जी हाँ बच्चों, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पे 1857 में एक विद्रोह हुई थी, उस समय भारत का गवर्नर जनरल का नाम क्या था, उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनका नाम आप सभी को बतानी है। जी हाँ बच्चों, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिन, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन सी जॉन मथाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, आप लोग फटाफट यहाँ पे बताइए सही जवाब क्या होगी। भारत के 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल के तौर पे किसको नियुक्ति मिली थी, कौन था, उसका नाम आप सभी को बतानी है। तो अगर बच्चों आप सभी का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर ए, इट इज करेक्ट आंसर, यानी 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन थे, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ बच्चों, अब बात आई है बच्चों यहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग, तो इनके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। तो चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, तो नील आर्मस्ट्रांग था। अगर मैं बात करूँ, यह एक अमेरिकी, ठीक है ना बच्चों, यह एक अमेरिकी खगोलीय यात्री और चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो चंद्रमा पर पहली बार कदम थे, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम क्या रहेगा बच्चों, तो नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति का नाम बच्चों क्या था, ठीक है। तो जी हाँ बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा, चांद पर पहला कदम रखने वाले
कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग थे, ठीक है। और बच्चों यह इसके अलावे यहाँ पे ये बहुत ही फेमस यहाँ पे व्यक्ति थे, यह एक एरोस्पेस इंजीनियर थे, साथ ही साथ नौसेना अधिकारी और प्रोफेसर के तौर पे भी ये जाने जाते थे, ठीक है ना। इनको इतने सारे यहाँ पे पद इनके पास था, ठीक है। तो यहाँ पे इस पोजिशन को आप लोग लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर इसी के साथ बच्चों अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा चांद पर जाने वाले पहले भारतीय का नाम आपको बताइए, जी हाँ बच्चों, यानी चांद पर जाने वाले पहले भारतीय का नाम आप सभी को बतानी है, उनका नाम क्या था? तो जी हाँ बच्चों, अगर आप सभी को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चांद पर जाने वाले पहले भारतीय का नाम बच्चों यहाँ पे क्या है? तो राकेश शर्मा है, जी हाँ बच्चों, ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन को, राकेश शर्मा, ठीक है ना, ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चनों की ओर मूव करते हैं, और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है और उसमें पूछी जा रही है आपसे, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चुनिए। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चंस दी गई है उसमें गलत जोड़ा है कोई एक, उसको यहाँ पे ढूंढना है कि यहाँ पे कौन सा गलत जोड़े यहाँ पे दी गई है। ऑप्शन ए है रामकृष्ण मिशन बीच क्या आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन बी है चंदीपुर बीच क्या ओडिशा में है, या ऑप्शन सी गोल्डन बीच तमिलनाडु में है, या ऑप्शन डी मरारी बीच गोवा में है। बताइए यहाँ पे गलत जोड़ा कौन सा है, फटाफट आप लोग बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग दीजिए, फटाफट बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। चलिए बच्चों हम लोग ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं, तो ऑप्शंस हमारा कहता है रामकृष्ण बीच क्या आंध्र प्रदेश में है, जी हाँ यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश में है, सही हो गया। उसके बाद ऑप्शन बी क्या कहता है चंदीपुर बीच क्या ओडिशा में है, ये भी हमारा सही हो गया। और क्या ऑप्शन सी यहाँ पे है गोल्डन बीच क्या तमिलनाडु में है, तो जी हाँ बच्चों गोल्डन बीच चेन्नई के तमिलनाडु में स्थित है, ये भी यहाँ पे सही हो गया। बट यहाँ पे गलत जोड़े को चुनना है, तो क्या ऑप्शन डी हमारा कहता है मरारी बीच गोवा में है, तो जी नहीं ये गोवा में नहीं है, इसका यहाँ पे सही जोड़ा क्या होगा? तो मरारी बीच बच्चों यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, मरारी बीच कहाँ पे है, तो ये आपका केरल में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा इसका यह सही जोड़ा हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है बच्चों, इसीलिए आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनानी है, तो आप लोग डायरेक्ट याद आपको करना होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बच्चों बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुकी है और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें पूछा जा रहा है हवा महल कहाँ स्थित है। जी बच्चों हवा महल उदयपुर में, जैसलमेर में, चित्तौड़गढ़ में, या जयपुर में, बताइए आप लोग फटाफट यहाँ पे हवा महल कहाँ पे स्थित है, फटाफट बताएंगे इसका लोकेटेड कहाँ पे है, इसका लोकेशन कहाँ है, बताइए आप लोग फटाफट यहाँ पे। तो जी हाँ बच्चों, अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर डी इट इज़ करेक्ट आंसर, यानी हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान का राजधानी जयपुर में स्थित है। तो आप लोग ये बात ध्यान में रखेंगे कि ये कहाँ पे है, तो राजस्थान के राजधानी जयपुर में स्थित है, कौन सा, तो हवा महल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों इसको किसने बनवाया था, यानी हवा महल को किसने बनवाया था, तो आप लोग लिख लीजिएगा हवा महल को सन 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए होता है बच्चों, प्रताप जी के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, और इसमें पूछा जा रहा है हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है। जी हाँ बच्चों, ऑप्शन है, ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी बिहार में, और ऑप्शन सी उड़ीसा में। बताइए आप लोग फटाफट यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगी, हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है। तो जी हाँ बच्चों, अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट आंसर, यानी हाथी गुफा ये आपको उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर उदयगिरी नामक की पहाड़ी है, ठीक है ना। तो ये कोई गुफा, ये बच्चों पहाड़ है, उसी का नाम बच्चों हाथी गुफा रखा है, उपलब्ध हुआ है जो हाथी गुफा
चंपा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। जी हाँ बच्चों, तो यह क्या है, तो यह एक पहाड़ी है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, यह एक क्या है बच्चों, तो यह एक शिलालेख है, ठीक है। इसी का नाम यहाँ पे हाथी गुफा से प्रसिद्ध किया गया है। और यह बच्चों यहाँ पे उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान पे स्थित है। जी हाँ बच्चों, उड़ीसा के यहाँ पे मैं नाम भी लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान रहेगा आप सभी को, उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान पे स्थित है, ठीक है। तो आप लोग ये सब पॉइंट को लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भी विद्यार्थी जीके का प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दी गई है चैनल पे, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और नहीं तो बच्चों इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बच्चों मूव करेंगे। बट उसके पहले अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि एलिफेंटा की गुफाएँ कहाँ पर स्थित है, जी हाँ बच्चों आप लोग बताएंगे एलिफेंटा, जी हाँ एलिफेंटा गुफाएँ कहाँ पर स्थित है, मे बी आप सभी को पता होगा। तो आप लोग बताएंगे इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में फटाफट एलिफेंटा गुफाएं कहां पे स्थित है। तो अगर बच्चों आप सभी का जवाब आ रही है एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है, जी हां बच्चों, तो यहां पे आप लोग लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, जीके के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा बच्चों। तो एलिफेंटा गुफाएं आपको महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है, तो यहां पे डायरेक्ट आप लोग महाराष्ट्र यहां पे लिख लीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की और मूव करेंगे। बट उसके पहले बच्चों आप सभी को जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाए जा रहे हैं आप सभी को लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो महाराष्ट्र के मुंबई शहर में बच्चों ये स्थित है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करेंगे। और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। और इसमें पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, जी हाँ विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यानी लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड कौन सा है, उसका नाम क्या है, बताइए आप लोग फटाफट यहाँ पे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ऑप्शन ए है अफेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी एशिया, बताइए फटाफट करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों। जी हाँ, तो जी हाँ बच्चों अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर डी, इट इज करेक्ट आंसर, यानी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप बच्चों एशिया महाद्वीप होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछ दिया जाएगा कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, जी हाँ बच्चों यहाँ पे बड़ा हटाकर यहाँ पे छोटा महाद्वीप की अगर चर्चा कर दी जाएगी, अगर क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आपका जवाब क्या होगा बच्चों, विश्व का छोटा महाद्वीप बच्चों कौन सा है, बताइए आप लोग। हाँ तो बच्चों यहाँ पे विश्व का छोटा महाद्वीप बच्चों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है बच्चों, सामान्य ज्ञान के लिए काफ़ी ज़्यादा ये सब बेनिफिशियल होने वाली है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चनों की ओर मूव करेंगे। और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुकी है और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है और खेल जगत से क्वेश्चन आपको पूछ दिया गया, और खेल जगत से क्वेश्चन आपके बिहार पैरामेडिकल पीएम का एग्जाम आप लोग दे रहे हो या पीएमएम का एग्जाम दे रहे हो, इससे आपको क्वेश्चन देखने को हाँ मिलती है बच्चों, इसीलिए आप लोगों को खेल जगत से प्रश्नों को याद कर लेनी है। तो यहाँ पे पूछा गया है बच्चों कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, जी हाँ बच्चों यहाँ पे कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल है, आइस हॉकी है, फुटबॉल है, या इनमें से कोई नहीं है, बताइए आप लोग फास्ट, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ कनाडा, बताइए फटाफट बच्चों। तो अगर बच्चों आप सभी प्यारे विद्यार्थियों की जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर, बताइए आप लोग फटाफट क्या होगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए। तो अगर ऑप्शन नंबर आप सभी का जवाब आ रही है बी, इट इज करेक्ट आंसर, यानी कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आइस हॉकी है, ठीक है। अगर आपसे मैं पूछ दूं बच्चों कि यूएसए, जी हाँ यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल बच्चों यहाँ पे बेसबॉल है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ बच्चों फुटबॉल, ठीक है, तो फुटबॉल किस देश का यहाँ पे राष्ट्रीय खेल है, तो ये काफी कंट्री यहाँ पे हो गया, एक दो का मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूं, एक हो गया आपको ब्राजील, ठीक है, दूसरा हो गया बच्चों फ्रांस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा कि किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, ठीक है ना। तो ये सब का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फुटबॉल ही आपका यहाँ पे राष्ट्रीय खेल यहाँ पे हो जाएगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। बट उसके बाद यहाँ पे अगर आपसे पूछ दूँ मैं कि आप सभी को बतानी है कि इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, जी हाँ बच्चों आपको इसका जवाब देनी है, फटाफट आप लोग दीजिए बच्चों इंडोनेशिया, फटाफट आप लोग दीजिएगा इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है,
बताइए आप लोग फटाफट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे सवाल पूछी जा रही है बच्चों, खेल जगत से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप लोग बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये बच्चों मैं होमवर्क के रूप में देता हूँ, आप सब लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे से आंसर करोगे और मैं देखना चाहूँगा कितने परसेंट यहाँ पे बच्चे सही जवाब दे पा रहे हैं। तो आज की सेशन बच्चों हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लास, ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के साथ एक नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। तो मिलेंगे, ओके एवरीवन, बाय बाय।